हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम वंस अगेन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉटगन के ऊपर, और शॉटगन से कंफ्यूज मत होना, M1887 की बात नहीं करूँगा, M1014 जो प्योर शॉटगन है उसका बात करूँगा मैं। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मेन मोटिव था कि जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से मैं भी यूज़ नहीं करता है M1014, और M1014 का क्रेज़ ख़त्म होते जा रहा है। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं सक्षम पॉडल, ये काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेथाई शॉटगन के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए। तो ये रही आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। यहाँ पर शॉटगन्स का फायरिंग स्पीड देख लो गाइस, मैं 3 शॉटगन का फायरिंग स्पीड कंपेयर करूँगा। फर्स्ट ग्रीन इनक्यूबेटर वाला था, सिंगल रेट ऑफ फायर था, सेकेंड फायरी था, उसमें रेट ऑफ फायर माइनस था, और ये थर्ड है विंटरलैंड, इसमें नॉर्मल है रेट ऑफ फायर। और यहाँ फोर्थ है जो मेन शॉटगन जिसके ऊपर बात करने वाले हैं पूरी वीडियो में, डेथाई शॉटगन, डबल रेट ऑफ फायर है। और ऐसा नहीं कि रेट ऑफ फायर बढ़ा के माइनस कर दिया एक्यूरेसी, एक्यूरेसी नॉर्मल है, ना बढ़ाया ना घटाया है, डबल रेट ऑफ फायर है, वो बहुत अच्छी बात है। इनक्यूबेटर वाला शॉटगन की तरह काम करता है, बस रिलोड स्पीड ज़्यादा है उसका, इसमें रिलोड स्पीड कम है, तो बहुत अच्छी शॉटगन है। ओवरऑल देखा जाए तो हेडशॉट ज़्यादा नहीं लगते, हेडशॉट मैं बोलूँगा हेडशॉट के लिए अच्छी नहीं है, हेडशॉट के लिए आपको चाहिए वेस्टलैंड या फिर फायरी ले लो। बट हाँ, नॉर्मल फाइट जो होती है, नॉर्मल फाइट में सारे वेपन को हरा के आपको जिताएगी, जैसे M1887 लेके आए, कोई MP40 लेके आए, सब बॉडी शॉट से क्लियर हो जाए। नॉर्मल आप 3 बॉडी शॉट भी मारोगे बॉट की तरह सट के, 3 गोली मार दोगे 4 गोली, तो बंदा मरना ही मरना है। बस क्लोज रेंज में होना चाहिए, 2-3 मीटर के रेंज पे, ऐसा नहीं कि 10 मीटर से चला रहे हो। अभी यहाँ देखो गाइस, मेरे पास शॉटगन मिल गई है, डेथाई शॉटगन और स्पास 12 है। यहाँ सामने एक बंदा देख गया, बट वहाँ पूरी स्क्वाड आ जाती है। इस बंदे ने मुझे इधर आते हुए देख लिया तो वो इधर आने लगता है। यहाँ 2 गोली मारा, मैंने सोचा कि डैमेज होके मर जाएगा, नॉक हो जाएगा, बट नॉक नहीं हुआ था। 1 गोली और मारा रुक के मैंने, फिर और रिलोड किया, ऊपर से कूदने की आवाज़ आई तो इसको क्लियर किया। और यहाँ मेन हुआ कि रिलोड नहीं कर पाया मैं, और ये आ गए, रिलोड कर देता तो दोनों को ले लेता, बट कोई नहीं, कृष्णा आ गया था, बहुत सही बैकअप आया कृष्णा का। नहीं तो ऐसे दिल से बुरा लगता है कि आप 3 बंदों को नॉक कर दो, चौथा आपको मार जाए, किल्स भी नहीं मिलते हैं, सोचोगे कि कम से कम 2 का ही किल ले लिया होता काश। बट बहुत सही, कृष्णा का बैकअप आ गया था, पूरा नहीं मार पाया वो। और क्लिप्स दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, देखो डेथाई शॉटगन आपको कभी नहीं हारने देगी शॉर्ट रेंज फाइट में, अगर आप अच्छे से यूज़ करना जानते हो शॉटगन, सारे शॉटगन को हरा देगी। बस इनक्यूबेटर वाला है जो बराबरी कर सकता है, क्योंकि उसका फीचर सेम है, बस उसमें रिलोड स्पीड ज़्यादा है। अब महंगा शॉटगन है तो कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना, और ये सस्ता है तो कुछ तो माइनस होगा इसमें, तो यही बस रिलोड स्पीड का अंतर है, और बाकी शायद एक्यूरेसी मुझे लगता है कि उसका थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पर देखो ये जो हेडशॉट है, हेडशॉट पकड़ता है, बट वन टैप के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इसमें रेंज नहीं है। वन टैप के लिए बेस्ट रिकमेंड करूँगा मैं वेस्टलैंड M1014। डेमन भी इसका तारीफ़ करता है, बोलता है कि विनर भाई इससे काफ़ी अच्छा वन टैप से पकता है मेरा, और इसमें रेंज डबल है इसलिए ज़्यादा इसका चांस रहता है वन टैप जाने का। जैसा कि आप जानते हो M1887 का रेंज ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा चांस रहता है वन टैप जाने का। तो यहाँ पर देखो एक डेमो दिखा देता हूँ मैं, छोटा सा, बहुत अच्छा वन टैप गया था मेरा, कस्टम खेल रहा था मैं, यहाँ पर देखो कितना अच्छा वन टैप गया। ये सब, इन सब का मैं हैंड कम दूंगा आपको, कैसे इस तरह से ग्लू वॉल लगाता हूँ पूरा फैला के, और वन टैप वगैरह धीरे धीरे फिर से चैनल में जान डालेंगे, और कंटिन्यू होते हैं वीडियो में आगे। यहाँ पर देखो एक बार फिर, यहाँ पर नॉक हो गया बंदा। यहाँ डेथाई शॉटगन आपको हारने नहीं देगी शॉर्ट रेंज फाइट में कभी भी, अगर आप अच्छे से यूज़ करो तो। इसको यूज़ करने का मेन है क्या कि आपको एकदम क्लोज रेंज में जाना होता है, 2-3 मीटर का गैप होना चाहिए, क्योंकि इसमें रेंज नहीं है, डबल रेट ऑफ फायर है बस। तो जैसे ग्रीन वाले में डबल रेंज है, फिर से इसमें भी डबल रेंज है, जो मैं वन टैप के लिए रिकमेंड किया कि आप वेस्ट लैंड में, बट इसमें रेंज नहीं है तो आपको बहुत क्लोज जाना पड़ता है। M1887 में भी रेंज है तो दूर से काम चल जाता है, बट डेथाई शॉटगन में आपको क्लोज जाना ही होगा बहुत। यहाँ पर देखो 3 गोली में बंदा नॉक हो गया था, बहुत क्लोज जाके मारोगे तो नॉक हो जाएगा। और क्लोज रेंज में जैसे M1887 कभी धोखा देता है, 2 गोली मारो बंदा नॉक नहीं होता है, बट डेथाई शॉटगन आपको कभी निराश नहीं करेगी, 3 गोली ज़्यादा से ज़्यादा 4 गोली, बहुत ज़्यादा हुआ कभी कभी एकदम रेयर कंडीशन में 5 गोली उतारना पड़ता है, वरना 4 गोली में हार्डली बंदा नॉक हो ही जाता है एकदम। तो डेथाई शॉटगन यूज़ करता हूँ मैं कस्टम में, पर्सनली यूज़ करता हूँ, M1887 वाले मारते रह जाते हैं, मैं कंटिन्यूस फायर करता हूँ। एक M1887 है, डबल रेट ऑफ फायर है, उससे बस डर लगता है, क्योंकि उसका भी डबल रेट ऑफ फायर करके ग्लू वॉल मार लेता है तो दिक्कत हो जाता है, नहीं तो डबल रेट ऑफ फायर तो ये शॉटगन भी है, तो इसमें फायरिंग करते जब 5 गोली निकलता है ना इसमें, और वो M1887 में तो 2 ही गोली निकलता है बस।
और इससे ड्रैग हेड शॉट्स भी लगते हैं, बट नॉर्मल होते हैं वो, जैसे ज़्यादा ओपी नहीं दिखेगा कि सारे रेड नंबर्स। ये देखो ये भी नॉर्मल सा ड्रैग था, बट मेरा पोजीशन ऊपर था इससे इजी था, अगर बराबरी पे होते तो थोड़ा सा टफ हो सकता था। और जैसे ड्रैग हेडशॉट के लिए बेस्ट समझ लो भाई वेस्टलैंड M1014 या फिर फायरी M1014 विलेन 25 यूज़ करते हैं जिसको, उनका भी देखा होगा आपने शॉटगन से हेडशॉट कितना अच्छा लगता है। शॉटगन का ट्रेंड एकदम ख़त्म हो चुका है, शुरू में फ्री फायर जब था तब सिर्फ शॉटगन ही था ऐसा जो शॉर्ट रेंज यूज़ कर सकते थे हम लोग, MP40 था ही नहीं उस वक्त। अभी तो MP40 M1A7 का क्रेज इतना बढ़ा हुआ है, सब हेडशॉट किंग बना हुआ है MP40 ले लेके। मैं खुद भी बीच में MP40 यूज़ करने लगा था क्योंकि हेडशॉट रेट बढ़ाना था और अच्छा लगने लगा था उससे मेरा ड्रैग हेडशॉट, इसलिए यूज़ करने लगा था। बट अभी फिर से M1014 पर स्विच करूँगा। तो चलो आज की वीडियो में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रहा हूँ कि कैसे ड्रैग करो, ऐसे करके फायर बटन इधर करो उधर करो। इसमें देखो चार गोली में बंदा नॉक हो गया, इसमें बस मुझे हाईलाइट करना है शॉटगन को, ये देथाई शॉटगन को, और शॉटगन का टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा मैं कैसे आप शॉटगन यूज़ करो बॉडी शॉट पे ड्रैग करके, या फिर नॉर्मल फायर करो जब पूरी स्क्वाड हो तब कैसे क्लच करना है शॉटगन, कहाँ कहाँ यूज़ करना है आपको, घर में कैसे बाहर में कैसे, ग्लू वॉल वगैरह सब बात करेंगे। अगली वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। इस शॉटगन को आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल फाइट में, कभी नहीं हारने देगी आपको, बट हेडशॉट के लिए इस पर आप पूरी तरह से रिलायबल नहीं हो सकते हो। यहाँ पर देखो तीन गोली में पूरी तरह से डैमेज हो चुका था वो, सिर्फ 18 का डैमेज या ट्रीटमेंट गन से और मर गया वो। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे यूज़ करना है आपको डेथाई शॉटगन को शॉर्ट रेंज में। यहाँ पर देखो एक और क्लिप है, यहाँ पर बंदा मुझे डैमेज दे देता है थोड़ा सा, बट उसके बाद दोबारा फायर नहीं कर पाता वो, जब तक रिलोड लेता है तब तक तीन गोली निकल जाता है डेथाई से और उसका काम डल जाता है वहीं पर। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी कैसे यूज़ करना है शॉटगन आपको, जैसे आप डरना नहीं कभी भी कि ज़्यादा हाई लेवल का वेस्ट है तो डैमेज नहीं होगा, आपको क्लोज रेंज में जाना है और ग्लू वॉल नेसेसरी है गाइज शॉटगन यूज़ करने में, क्योंकि MP40 और M1A7 का रेंज ठीक है दूर से ही मार सकते हो, बट शॉटगन में एकदम क्लोज जाके ग्लू वॉल लगा के मारना ज़रूरी है, तो ग्लू वॉल का ही प्रैक्टिस होना चाहिए। उस वीडियो पर मैं आगे बात करूँगा, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और किसी भी फ्रेंड को शॉटगन चलाने में दिक्कत होती हो तो उसके साथ शेयर करना, उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो गाइस विनर गेमिंग YT से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओपी विनर भाई, ओपी हेडशॉट।